तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज हम दूसरी क्लास को यूज कर रहे हैं, और दूसरी क्लास में हम बात कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड एक ऑफिशियली एक प्रोजेक्ट के बारे में। हमने कल बताया था कैसे आप फाइल को ओपन करेंगे, कैसे फाइल को सेव करेंगे, कैसे फाइल को क्लोज करेंगे, ये चीज़ें आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा और उस चीज़ को समझ गया होगा। किसी को कोई डाउट है कल की क्लास से, कुछ ऐसे करवाना चाहते हैं तो बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। सिद्धार्थ रिकॉर्डिंग अलाउ कर लीजिए अल्ट प्लस आर करके। चलिए म्यूट कर लीजिए ताकि शोर ना आए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लासेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्या किस तरह के प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, काफ़ी पहले मतलब कि 10-11 साल पहले मैं इसका यूज करता था। क्या है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं अपने एक्सेल शीट में। अब क्या होता है कि आपके पास अगर डेटा है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं कि डेटा को जस्ट डाउनलोड कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि आपका एमएडीएस है, सेवर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा डाउनलोड नहीं, डेटा अपडेट करते हैं। हमें वहाँ पे एक्सेल की फाइल देनी पड़ती है, एक लोकेशन देना पड़ता है, फाइल बना के देना पड़ता है, तो उस फाइल में डेटा को वो पेस्ट कर देते हैं, वो फाइल को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो मुझे जब मुझे आज का अगर डेटा डाउनलोड करना होता था तो हमें उसका एक लोकेशन देना होता था, लेकिन क्या था कि उसमें एक डाउनलोडर था कि वो ऑटोमेटिकली एक पाथ को डिटेक्ट करके डेटा को पेश कर देता था। तो पाथ हमें क्या करना है बता दूं आपको, कि हमें अपने एक ड्राइव, जैसे मान लीजिए कि मैंने एफ ड्राइव ही ले लिया, एफ ड्राइव में जाना है और चेक करना है कि यहाँ पे 2020 क्योंकि 2020 का ईयर चल रहा है, क्या 2020 का फाइल फोल्डर है या नहीं है। फिर 2020 के फोल्डर में अभी मंथ कौन सा चल रहा है, 4। अगर 4 मंथ का अगर नहीं है तो 4 मंथ का डेटा यहाँ पे बनाएगा। अगर 4 मंथ का डेटा फोर मंथ का फोल्डर बनाएगा, फाइल नहीं फोल्डर बनाएगा, फिर उसके अंदर 4 मंथ के अंदर आज डेट है 15, तो एक नई फाइल क्रिएट करेगा, उसका नाम रखेगा 15, ओके? और कल मैं फाइल ओपन करूंगा तो इसमें 16 होगा, परसों 17 होगा, फिर मैं मई में खोलूंगा तो फिर वो एक और मई का फोल्डर का बनाएगा और उसके अंदर डेट वाइज फाइल को क्रिएट करेगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि एक ड्राइव में मैं एफ में जी कर लेता हूं कि जी ड्राइव में जाए और आज का इस आज के महीने का फोल्डर बनाए और उस महीने के अंदर आज के डेट का फोल्डर बनाए। समझ गए करना क्या है, किसी को डाउट है? क्योंकि प्रॉब्लम समझना जरूरी है, जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो सोल्यूशन लिखना मुश्किल होता है। देखता है सिद्धार्थ जी, प्रॉब्लम समझ में आया क्या करना है? सर आप ये बोल रहे हो कि आज के डेट में आज का फोल्डर बनाएगा, कल के डेट में फिर वो कल के डेट का फोल्डर बनाएगा और पीछे वाले डेट का फोल्डर सेम ही रहेगा, राइट? मतलब क्या है कि हम जब भी इस माइक्रो को रन करें वो 2020 के फोल्डर या जो ईयर चल रहा है उस ईयर के फोल्डर में जाए, अगर फोल्डर नहीं है तो फोल्डर को क्रिएट करे, फिर उस 2020 के अंदर में जाए और जो महीना चल रहा है उसका फोल्डर क्रिएट करे, अगर फोल्डर नहीं है तो फोल्डर करे, अगर है तो इग्नोर करे, फिर उसके अंदर जाए और आज का जो डेट है उस डेट का फोल्डर क्रिएट करे, है तो इग्नोर करे, नहीं है तो फोल्डर क्रिएट करे और उस फोल्डर के अंदर में एक फाइल जनरेट करे जिसका नाम आज के डेट के अकॉर्डिंग होगा, राइट? ओके, समझ में आएगा? जी सर, जी सर। एकता जी आपको आया? जी सर। चलिए तो इसके लिए माइक्रो लिखते हैं। हम क्या करेंगे कि यहां डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक,
और यहां पे हम इंसर्ट करते हैं। जयप्रकाश जी आपने ज्वाइन किया है? हाँ सर ज्वाइन कर रखा है मैंने, देख रहा हूँ। सब्जेक्ट आरा ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं फोल्डर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर क्रिएट। इस तरह से बड़ा नाम भी दे सकते हैं, बट इसमें स्पेस कॉमा डेसिमल ऐसे मत दीजिएगा। उसके बाद यहां पे प्रॉब्लम है कि हम सिस्टम डेट कैसे पता करें, राइट? तो हमारे पास एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला है, टुडे का फॉर्मूला जो कि सिस्टम डेट हमें बताता है। अब मुझे इसमें से ईयर अलग करना है, तो हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है जो कि इसमें से ईयर को अलग करता है। तो सेम फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे, हम यहां ईयर और यहां पे डेट दे देंगे। जैसे एक्सेल में डेट टुडे का फॉर्मूला जो कि सिस्टम डेट देता है, ऐसे डेट का फॉर्मूला सिस्टम डेट शो करता है। ईयर क्या करेगा, उसमें 2020 को अलग करेगा, बट ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शन है जिसको कहीं स्टोरेज पॉइंट चाहिए। तो मैं यहां पे y इक्वल टू दे दिया ईयर। अब y क्या है, ये टेम्पररी सेविंग लोकेशंस है। अब मुझे जहां मुझे ईयर जरूरत पड़ेगा, इसमें मैं मैसेज बॉक्स में मुझे ईयर की जरूरत है, तो मैं यहां पे y कर दिया, तो आप देखेंगे कि 2020 यहां पे प्रिंट हो रहा है। तो टेम्पररी मतलब कि एक्स वाई जेड जैसे मैथमेटिक्स में लेते हैं, उसी तरह से हमने यहां पे लिया हुआ वाई फॉर ईयर। तो मुझे जहां 2020 की जरूरत पड़ेगी वहां वाई को ले लेंगे। फिर ऐसे एम इक्वल टू मैंने यहां पे मंथ, मंथ का फॉर्मूला, फिर डेट लगाया, फिर यहां पे डी इक्वल टू डे, डे के फॉर्मूले में हमने यहां पे डेट का फॉर्मूला लगाया। तो जैसे एक्सेल में, एक्सेल के अंदर में टुडे में से हम ईयर से ईयर, मंथ से मंथ अलग करते हैं और डे से डे को अलग करते हैं, सेम चीज हमने वीवीए में अलग कर लिया। बस यही है कि यहां पे हमने एक सेल में लगाया है, क्योंकि स्टोरेज जहां वैल्यू स्टोर एक सेल में हो रही है, सिर्फ पी सेवन पे स्टोर हुई, यहां पे हमारा वाई एम डी ऐसे टेम्पररी सेविंग लोकेशन, इसको हम वेरिएबल्स या डेटा टाइप करते हैं, उसमें सेव हुआ। ओके, अब बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट द फोल्डर। जैसे फाइल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन था, तो हम फोल्डर कैसे क्रिएट करें? तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला एक फंक्शन होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में mkdir लिखा जाता है, और इसमें देना होता है पाथ। तो मुझे बनाना है फोल्डर कहाँ, जी ड्राइव के अंदर। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जी ड्राइव स्लैश 2020 करूँगा, मतलब कि जो पाथ हम देते हैं उसके लास्ट में जो हम टाइप करते हैं, तो इस पाथ को कंप्लीट कर देता है, लास्ट वाला फोल्डर क्रिएट कर देता है। तो ये अगर मैं इसको रन करूंगा, तो इसे मान लीजिए देखिए मैं रन कर रहा हूं, तो रन किया तो आप देखेंगे कि यहां 2020 का फोल्डर बना देगा, बना दिया ना। अगर दूसरी चीज है कि अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो एरर देगा, क्यों, क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर नहीं हो सकते, इसको हम बाद में हैंडल करेंगे। बट प्रॉब्लम है कि तो फिक्स हो गया 2020 तो हो गया क्या, हमें तो इसके अकॉर्डिंग करना था ना। एक्सेल में अगर मान लीजिए कि मुझे अगर 2020 है और यहां पे मैंने दे दिया जी स्लैश इस तरह से, इसको कंबाइन कैसे करते हैं, तो इसके लिए कॉनकेटेनेट का फॉर्मूला या फिर एन परसेंट होता है ना, इसको सिलेक्ट किया और एन परसेंट इसको सिलेक्ट कर लिया, ज्वाइन होकर इस तरह से बन जाते हैं। तो इसी मेथड को हम यहां अपनाएंगे, हम इसको आपस में ज्वाइन करके यहां वाई कर, तो मैं इसको मैसेज बॉक्स में आपको रन करा के दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि ये दोनों स्लैश होकर इसी तरह से दिखा दे मिल जाएगा, मतलब कि मैं इसको एक काम करता हूं सिंगल कोट लगा देता हूं ताकि समझ ये डेड हो जाए। तो लाइन समझ में आ गया आपको? हेलो, ये डायरेक्टली फोल्डर क्रिएट करने के लिए, हाँ किसी भी लोकेशन में फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो ये सर वाई जो लिखा है ये वाई का फोल्डर क्रिएट करेगा? जी नहीं, वाई का फोल्डर नहीं, वाई
ईयर का खोल रहे हो, y जो है कोई नेम नहीं है, y एक वेरिएबल है जो जिसका रिजल्ट होगा, वैल्यू होगा ईयर, जो कि डेट से पिक करेगा। सर इसमें डायरेक्टरी जैसे 2020 लिखा था आपने, तो इसमें को किस नाम से फोल्डर होगा? सबसे बताया आप लास्ट वाला आपको क्रिएट करता है ए यहाँ पे। अगर मैं 2020 के अंदर मान लीजिए मुझे चार चाहिए तो स्लैश A4 क्रिएट करेंगे, लास्ट का क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ 1 by 1 देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देंगे MKDIR और हम यहाँ पे देंगे ये ऊपर का कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट किया, फिर &% इन्वर्टेड कॉमा में हमने स्लैश दिया और फिर इन्वर्ट यहाँ पे &% दिया यहाँ पे M, मतलब कि A जो पाथ बन गया कंबाइन होके ज्वाइन, हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये इस तरह से बन जाएगा स्लैश ए महीना 4 है तो 4 हो जाएगा। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायनेमिक करना है, सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग कनेक्टेड हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ हम क्या करते हैं &% देते हैं, फिर स्लैश देते हैं और फिर &% और फिर दे देते हैं आपका डी। तो ए आपका इस तरह से स्लैश और ये 15 है, 15 है। ओके एकता जी और बात हो गया, सबका नाम नहीं बोल रहा हूं मैं। तो सर अगर वीक अगर ऐड करना हो तो वीक के लिए यहाँ पे कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? वीक के लिए भी फॉर्मूला नहीं होता, वीक का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, समझे। अब जैसे कि मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ईयर का फोल्डर बना हुआ है और जाहिर सी बात है हम इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि फोल्डर है तो इग्नोर करे, नहीं बनाया, अगर फोल्डर नहीं है तो क्रिएट करे, राइट। तो हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूं तो डिवर्क कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि साइन में प्रॉब्लम है, राइट। और वीवी के प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक लाइन में प्रॉब्लम आ गई तो उससे नीचे के लाइनों को रन नहीं करता है, वहीं पे माइक्रो रुक जाता है। तो मुझे इस लाइन को स्किप करवाना है तो मैंने यहां पे लिख दिया यहां पे कि ऑन नेक्स्ट, कोड होता है जो कि एरर वाली लाइन को स्किप करवा देता है, समझे। कि इससे जहां पे हमने कोड दिया है इससे नीचे जो भी लाइंस में एरर होगा उसको स्किप करके अगली लाइन की तरफ फॉलो कर देगा। इससे क्या होगा कि अगर इसमें एरर तभी आएगा जब ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट होगा, उसको स्किप करके उसके अंदर दूसरा फाइल बना देगा। जैसे एग्जांपल ये देखिए, रन कर दिया मैंने, अब यहां देखिए 2020 के अंदर में 4, 4 के अंदर में 15 बन गया, राइट सर। समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट इसमें? यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? हमने क्या किया, सुनिए पहले समझिए, हमारे सिस्टम में एक डेट का फॉर्मूला होता है। एक चीज यहाँ पे समझिए, सिंपल सी बात समझिए, एक अलग बताता हूँ मैं, यहाँ पे MSG बॉक्स, एक डेट का फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम डेट पिक करता है। सिंपल सी बात समझिए, सिस्टम डेट पिक करता है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईयर का जो कि सिस्टम डेट या जो भी डेट डालेंगे उसमें से वाई को स्ट्रैक करता है, मंथ को स्ट्रैक करता है, ईयर को स्ट्रैक करता है। ऐसे हमारे पास मंथ, ईयर, डेट तीन फॉर्मूले हैं जो कि हम एक्सेल पे भी यूज करते हैं, राइट। तो हमने उस फॉर्मूले की मदद से सिस्टम डेट का ईयर, सिस्टम डेट का मंथ और डे हमने अलग कर दिया। फिर उसको हमने कॉन्कैटेनेट ज्वाइन फंक्शन से ज्वाइन करके हम एक पाथ क्रिएट करते गए जिससे हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया सीक्वेंस पाथ में। और ये डायनेमिक है, हर दिन डेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर लेगा। क्लियर है, इसमें किसी को और डाउट? ये जो लास्ट आपने जो डेट लिखा है 2020 से 4/15 पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा? हाँ जी,
ओके ये सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए मेहताब जी। जी ये तो सर मैंने नंबर से किया, अगर मुझे जनवरी जैसे जे ए एन हो सिर्फ वैसा, तो उसके लिए आपको उसका फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे, जैसे कि उसके लिए फंक्शन होता है फॉर्मेट का, फॉर्मेट और वहाँ डे डे वाई वाई करना जैसा भी। अगर मान लीजिए आपको ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, तो यहाँ पे जी ऐसा, जैसे मान लीजिए मुझे स्लैश कुछ, आपको स्लैश तो फोल्डर में लेता नहीं है नेम में, तो आपको करना है तो इस तरह से डैश कर दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं भी बताता हूँ इसको भी। अब हम बात करते हैं फाइल ऐड करने की, तो फाइल को कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ हमारे पास, हम लास्ट क्लास में बताए थे कि वर्क बुक्स डॉट ऐड और डॉट सेव है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सेव भी करना है, तो यहां पे हम सेव कर देंगे। प्रीतम जी, सिद्धार्थ जी, प्लीज आप बोले, क्योंकि बार बार मैं मैसेज नहीं दे सकता सर। एरर इसलिए हुआ क्योंकि जो लाइन एरर करेगा उसको स्किप कर देगा, सिंपल सी बात है। एरर क्यों आएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, क्योंकि आपका सिस्टम एक नाम का दो फोल्डर एक लोकेशन में नहीं बना सकता, दो नाम का एक नाम के दो फोल्डर सिस्टम में नहीं बन सकता, इसलिए एरर देगा। तो ये एरर को स्किप करने के लिए हमने ऑन एरर इज इंडेक्स किया है। अब यहां पे हमारा पास फाइल को सेव कहां करने की बात आई, तो हमने फाइल को यहां सेव करना है एन परसेंट किस नाम से, तो डी के नाम, यहां पे स्लैश देना पड़ेगा हमें डी के नाम से, और एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा डॉट एक्सएलएस। हमने कुछ एम के डी आर ले लिया, ये हो गया सेव, और जो फाइल सेव ओपन हुई है उसको क्लोज भी करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, सेव पे क्लिक कर दे। अब मैं इस कोड को एक बार रन करता हूं, अब देखिए यहां 2020 के अंदर 4 के अंदर 15 के अंदर 15 नाम का फाइल बना दिया, बट मुझे 15 नाम का फाइल नहीं, मुझे डेट के हिसाब से फाइल बनाना है, तो ये जो हमने यहाँ पे डी दिया है ना, ये डी नहीं देंगे हमारा। देखिए क्या होता है कि अगर आप एक्सेल की बात करें, कि अगर आपने यहाँ पे डेट डाला हुआ है कोई, और मुझे डेट अपने फॉर्मेट से चाहिए, तो एक तो है कि आप फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हो, लेकिन जहर सी बात है कि जब फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल तो चेंज नहीं होता, एक्चुअल जैसा वैसा ही रहेगा, तो हमारे पास टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम अपने कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड जैसे कि dd/mmm/yy कर देते हैं, तो उस फॉर्मेट में हमारा डेट दिखने लगता है, तो टेक्स्ट फंक्शन VBA को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हमारे एक्सेल में फॉर्मेट का होता है, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम यहां पे कर देंगे डेट, और यहां पे कर देंगे dd/mmm/yy। अब मैं इस फाइल को एक बार इसको रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि हमारे इस लोकेशंस में इस तरह का फाइल बन गया। अब आप लोग इस कोड को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि कहां पे कंफ्यूजन है, वन बाय वन। जी सर, हेलो, ये जो स्लैश जो दिए है उसके जगह डैश का यूज नहीं कर सकते हैं क्या? कहां पे स्लैश दिया हमने? जैसे ये कॉनकैटेनेट किया ना वाई, और इसमें हम डैश कैसे देंगे, क्योंकि आपका जो फोल्डर का पाथ होता है वो तो स्लैश ही होता है सर। यस, पाथ देना है ना हमें, तो पाथ का फॉर्मेट तो स्लैश होता है, डैश तो होता नहीं है। ठीक है ओके, चलिए क्वेश्चन है नीरज जी, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट अच्छा है। ओके, वीर सिंह जी आपको? सर अगर मंथ के नाम से बनवाना है फोल्डर, तो प्रीतम जी मैं आपके, प्रीतम जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं एक बार वीर जी से बात करता हूँ। वीर सिंह जी कोई प्रॉब्लम आपको? हाँ सर, लास्ट वाले में मुझे थोड़ा सा ये है कि वर्कबुक ऐड करके जो आपने ये पाथ दिया है,
हाँ तो ये जो पाथ जो ऊपर था वो पाथ जैसा था वैसे ले लिया। अब इसमें क्या है कि ये तो फोल्डर तक ही जाएगा ना, मतलब कि ये तो इस तरह से दिखाएगा, लेकिन मुझे पाथ तो कुछ इस तरह से चाहिए ना, स्लैश अगर 15 है तो 15 डॉट एक्स स्लैश एक्स ऐसा चाहिए ना सर, या फिर हमारा अगर डेट डेट फॉर्मेट में है तो 15-April-2020 इस तरह से चाहिए क्या? तो यहाँ पे डी तक तो था, डी के बाद हमने यहाँ पे स्लैश दिया जिससे यहाँ पे स्लैश है क्योंकि ये तो इतना ही देखा था, तो इस स्लैश को ऐड किया। उसके बाद अब मुझे डेट अगर सिर्फ मान लो डेट ही चाहता 1 2 3 4 5 चाहिए तो मैं फॉर्मेट के जगह पे डायरेक्ट सिंपल डी डाल देता जो यहाँ डी आ रहा है, लेकिन मुझे डेट के फॉर्मेट में चाहिए तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाया जो कि मुझे इस तरह से रिटर्न कर देगा। फिर मुझे एक्सटेंशन भी देना है तो हमने लास्ट में एक्सटेंशन को भी ऐड किया डॉट एक्सलेस एक्स, ठीक है? ओके सर। चलिए मेहताब जी कोई डाउट आपको? नहीं सर, नहीं सर कोई डाउट। एकता जी कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया? उसके क्लोज सर एक्टिव बुक डॉट क्लोज ट्रू क्यों लिखे? सर हमने आपको एक बताया था कि जब भी आप फाइल को अनसेव क्लोज करेंगे तो पॉपअप देता है ना सेव करने का, तो उसने ट्रू कर दिया ताकि ऑटोमेटिक सेव पे क्लिक कर दे। ओके प्रीतम जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं पूछ रहा था अगर जैसे मंथ के नाम से मुझे फोल्डर क्रिएट करना है तो मुझे फॉर्मेट जो आपने दिया जैसे डेट वाले में मंथ के लिए कहाँ पे देना पड़ेगा मुझे? नहीं देते हैं तो जहाँ आपने एम यूज किया है वहां पे दे दीजिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक जय जी कोई डाउट आपको? नहीं सर क्लियर है। जितेंद्र जी चलिए, और सिद्धार्थ जी कोई प्रॉब्लम आपको? सिद्धार्थ जी आपने रखा है अनम्यूट करेंगे तो मैं सुन पाऊंगा आपको। हेलो सिद्धार्थ, आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, काफी स्लो आ रही है, लग रहा है बहुत दूर है आप, नजदीक आइए माइक के। आपकी वॉइस आ रही है लेकिन काफी स्लो आ रही है, मतलब धीरे आ रही है, लग रहा है बहुत दूर है आप माइक के। सर एक मिनट। हाँ आप सही है सर। सर नाउ यू आर गेटिंग माय वॉइस? हाँ आप सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। सर मुझे सर मुझे ये पूछना था कि वर्कबुक डॉट एड आपने जो किया है ये डॉट एड क्यों किया हुआ है? वर्कबुक डॉट एड कल की क्लास आपने नहीं ली थी? आपकी कल की क्लास लग रहा है सही तरीके से देखे नहीं, वापस आपने YouTube का वीडियो देखा था? हाँ सर देखा था लेकिन थोड़ा तो वर्कबुक ऐड हम नया वर्कबुक क्रिएट करने जा रहे हैं ना, तो एक नया वर्कबुक हम वर्कबुक्स डॉट ऐड ही करेंगे ना, क्योंकि कल मैंने किया था। और सर एक सर क्लियर हो गया सर, एक ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट आपने लिखा था। हेलो हाँ सर, उसमें सर एक्चुअली ना ये स्क्रीन खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी मेरी स्क्रीन अचानक चलते चलते। देखिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट देने का पर्पस ये है, जैसे कि हमने आपको बोला कि हमारा फोल्डर जैसे कि एक फोल्डर है जो कि ईयरली है जो कि साल में एक बार क्रिएट होगी, राइट? दूसरा फोल्डर है आपका मंथ का जो कि मंथ में एक बार होगा, और एक डे का फोल्डर एक जो कि दिन में एक बार होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं दूसरे दिन माइक को रन करूंगा तो मुझे सिर्फ एक फोल्डर बनानी है 16 का, राइट? तो बाकी दो फोल्डर बनाने कोड को कैसे स्किप किया जाए, क्योंकि बाकी फोल्डर्स तो बनाने के लिए बोलेगा तो एरर आएगा, क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर तो नहीं बन सकते ना सर। देखिए जैसे ही मैं इसको हटा देता हूं, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो रन करते हैं आप यहां पे एरर आएगा, फाइल पाथ एक्सेस एरर। डिबग करेंगे तो आप यहां देखेंगे कि आपका इस कोड में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑलरेडी 2020 का फोल्डर अवेलेबल है, और मुझे कंडीशन भी यही है कि आपका फोल्डर अवेलेबल है तो फोल्डर क्रिएट नहीं करनी है, राइट? मुझे इस
इस एरर कोड को स्किप करना है ताकि वो अगले लाइन पे चले जाए, क्योंकि वीवीए की प्रॉब्लम होती है कि अगर एक कोड में एरर आ गया तो उसके नीचे का कोड रन नहीं करेगा। नहीं, उस लाइन में नहीं, आपको स्टार्टिंग में डाल देना है, जहां आप डालेंगे उससे नीचे किसी भी लाइन में एरर आएगा तो वो स्किप कर देगा। अच्छा, और किसी को भी डाउट? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सौरभ जी बोलिए। सर मेरी एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी शेयर की थी। क्या सर? मेरे को डेली एक टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि जिस कॉलम में मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ उसके बराबर वाले कॉलम में करंट डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए। सर उसके लिए आपको इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग रन करना होगा। कल 10 बजे अगर फ्री है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कल 10 बजे मैं इवेंट माइक्रो ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इस कोड को एक बार स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए। ऐसे रिकॉर्डिंग में तो आई जाएगा, जिनके पास रिकॉर्डिंग नहीं अपनी स्नैपशॉट ले लीजिए प्लीज। तो इसको आप रन कीजिए और इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कीजिए। ड्राइव के मॉडिफिकेशन कीजिए, फाइल की मॉडिफिकेशन कीजिए, डेट की मॉडिफिकेशन कीजिए और अपने सिस्टम में रन करके देखिए। ये आपके वीवीए प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि कल हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम कोड एक्सप्लेन किया, आज हमने उस कोड को यहाँ पे यूज करके बताया, एक लाइव प्रोजेक्ट। तो इसी तरह से आगे की भी क्लासेज होगी। पहले हम आपको कोड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसमें से अब सारे कोड को तो नहीं, कुछ कोड को हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक एग्जांपल बनाएंगे और उसमें यूटिलाइज करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि आपके सामने हमने किया है, राइट? और इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग जितने लोग हैं, कुछ की मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे हाई करके भेजिए ताकि मैं ग्रुप बना दूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। ओके बाय, मैं कल मिलते हैं हम।